हमने तो ये समझ लीजिए काफी ध्यान दिया है विद्यालय पर भी, और अपना मैंने स्टाफ भी मेंटेन करके रखा हुआ। ये अब इंग्लिश मीडियम हो गया स्कूल? हाँ, इंग्लिश मीडियम हो गया है। कंपोजिट स्कूल है ये, संविलियन हो गया है इसका, मतलब प्राइमरी और जूनियर का दोनों का विलय कर दिया। तो जूनियर का मतलब आठवीं तक हो गया है। प्राइमरी और मतलब 1 से 5 तक है, जूनियर 6 से 8 तक है। हाँ, मतलब एलिमेंट्री स्कूल हो गया ये। लेकिन आपके यहाँ प्री प्राइमरी नहीं होते क्लासेस? नहीं, 1 से ही स्टार्ट है। तो आपका पूरा टीचर स्टाफ पूरा हाजिर है यहाँ पे? हाँ जी, पूरा। हाँ, जो भी छुट्टी पर है वो लीगल छुट्टी पर है। हाँ, लीव वगैरह पे लीव पर है। तो स्कूल तो बंद है, फिर आप लोग क्या करते हो? बस अब यही है सरकार का काम। यहाँ से क्या आप वो ऑनलाइन पढ़ाते हो? ऑफिशियल काम है उनको, क्लास के लिए भी जाना होता है। क्या मोहल्ला क्लास के लिए भी तो डीबीटी का काम चल रहा है स्कूल में। डीबीटी क्या होता है? बच्चों के खाते में राशि यानी कि पैसे भी भेजे गए ना, जो या उनको राशन बांटा गया है, उसी का ये काम चल रहा है सर। और ये समझ लीजिए उसमें काफ़ी वो हमें दिक्कत हो रही है कि लोगों को इतने जागरूक नहीं है गांव के लोग। तो हमने बोला हुआ है सभी से कि है ना, आप हमने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो उसमें हमें चढ़ानी है लिस्ट में, वो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए, यानी कि आधार कार्ड और अपना अकाउंट नंबर वगैरह सही से। तो वो अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे हेड ऑफ द स्कूल है। आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार सिंह। आपको अपना भी कार्ड दूंगा अभी। अच्छा, और कितना स्टाफ है आपके पास? मेरे यहाँ वैसे टोटल 13 का स्टाफ है ये, जिसमें 2 शिक्षा मित्र हैं और 11 सहायक अध्यापक, और मैं इंचार्ज हूँ यहाँ। और बच्चे कितने आपके हैं यहाँ पे? इस समय जो स्ट्रेंथ है 380। तो अभी ये जो सेशन शुरू हुआ है इसमें बच्चे आपके यहाँ एनरोल हुए क्या? हुए थे, थोड़ा सा हुए हैं, मैंने करे भी हैं, एनरोल किए हैं। कितने किए हैं इस साल? मतलब ये जो पहली अप्रैल के बाद अब हम लोग अगस्त में आ गए हैं। पहली अप्रैल में तो इतना हमें वो नहीं मिल पाया था, क्योंकि ज़्यादा बच्चे आप आ रहे थे तो हम उसको पढ़ा भी रहे थे, लेकिन ऐसा आदेश नहीं था कि आप एनरोल कीजिए। अच्छा, मतलब यही आदेश नहीं है कि एनरोल करिए आप? हाँ, लेकिन बाद में आया कि अब आप एनरोल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैंने जुलाई में किया है, करीब ऐसे ही 25-30 बच्चों का मैंने एडमिशन किया। तो टोटल कितने हो गए फिर 8वीं तक बच्चे आपके? टोटल अब मैं बताया ना 380 हैं, इसमें से 380 तो इसमें से अभी जो है निकल गए 8th वाले बच्चे निकल गए हैं। इससे पहले जो थे बच्चों की स्ट्रेंथ थी 390 आस पास ही है। 18-19 तो कितने क्लासरूम है आपके यहाँ? क्लासरूम है इसमें तो 3 है, ये जर्जर रूम में आता है, ये स्टोर रूम है, ये जर्जर है, जर्जर रूम है। बंद कर रखा है इसको? बंद कर रखा है, इसमें हमने वैसा जो सामान होता है वो भर रखा है। और जो पीछे रूम है उसमें 4 रूम है, जिसमें से 6-7 अब बच्चों को बिठाने के लिए भी इसमें मेरे भी पास जगह नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब 380 जानते हैं आप, बच्चे बहुत होते हैं, संख्या ज़्यादा, एक एक क्लास में 75-75 बच्चे हैं एक क्लास में, यानी कि जो 5 क्लास है उसमें जो है आज की स्ट्रेंथ है 76 और 6 क्लास जो है 75, यानी उनके लिए मेरे पास जगह तक नहीं है बिठाने के लिए जो बच्चों की स्ट्रेंथ है। अब 3 क्लास हैं प्राइमरी के लिए, आप बताइए किस कहाँ कहाँ मैं बच्चों को बैठा। देखें जरा आपकी क्लास रूम, देखें, देख लीजिए। अब क्या प्राइवेट स्कूल कहाँ है आसपास कोई है? प्राइवेट स्कूल हाँ, ये सहकोम है और सादाबाद में है वहाँ पर। ये है क्लास रूम, तो बड़ा साइज में तो बड़ा है। हाँ, डेस्क नहीं है आपके यहाँ? लोकोमोटर बोल नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा, सुनाई भी। अच्छा, हियरिंग कितने बच्चे हैं हियरिंग वाले?
कौन सी क्लास में है? एक तो इस समय जो आठ में आया बच्चा। तो आपके यहाँ कोई टीचर है जो उनको पढ़ा सकती है डफ एंड डम को? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं है? अलग से ट्रेंड होते हैं वो अलग से ट्रेंड होते हैं, उनके स्कूल भी अलग से होते हैं। तो वो कौन सी क्लास में जो हियरिंग वाला बच्चा? ये एट्थ में है। इसमें एट्थ में, इससे पहले एक बच्ची थी कोर्ट में, वहाँ पे यार वकील जब बन जाओगे तो आप जिंदगी भर रहोगे। कतल से क्या होता है, वो तो आदमी काम होता है, सकल तो आदमी क्या लिखा रहता है, किसी को लिखा रहता है। अब जो है ना, आप विजिट करने मतलब पर्सनली आए या किसी मतलब? कुछ नहीं है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। वीडियो वीडियो बन रहा है, ऐसी कोई बनाते ही है, कोई बात नहीं, बातें हो रही है तो रिकॉर्डिंग। अब ये हम जो है ना, इससे पहले बच्ची थी एक, वो बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी, उसकी जो वैसे बोल करके हाथ से और वैसे करते हैं ना, वो उससे थी पहले, वो बच्ची उसकी शादी हो चुकी, मैरिज हो चुकी है ना। ये आप लोगों के टीचर्स जो है, इनको कुछ ट्रेनिंग नहीं देते स्पेशल एजुकेटर टाइप वाली? नहीं है ऐसा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अगर इन्हीं को देते तो ये तो बहुत। अभी एक ऑर्डर आया था BSA जो उनका साथ मैडम का, ये है ना, जेल में जा करके भी कैदियों को भी पढ़ाना है, तो उसके लिए ऑफर मांगे गए थे, जो इच्छुक हों मतलब टीचर वो अपना वो कर सकते हैं। तो फिर वो उनको जेल में जाने की, यहाँ से छोड़ करके उनको कहाँ जाना पड़ेगा, जेल में, यहाँ से फिर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी भाई स्कूल से यहाँ से। अब जो इस समय जो ज़रूरत है वो बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि जेल के उनको ज़्यादा ज़रूरत है। पीछे से कहीं से कोई ऑर्डर आया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, सब उसी हिसाब से चल पड़ते हैं। और एक और चीज़ है, ये देखिए कि हमें जैसे बच्चों को वहाँ गाँव में पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है पढ़ाने, तो वो चीज़ जब हम गांव में जा रहे हैं तो वो भी तो वही चीज़ होगी जो यहाँ हम पढ़ाएंगे। मैं अभी गांव में यही बोल रहा था लोगों को, यहाँ पे जो हम पढ़ाएंगे वही चीज़ तो वहाँ पर जाते हैं, तो क्यों नहीं स्कूल में जाके पढ़ लेते हैं। वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट का रूल है, अब क्या करना चाह रहा है, वही रूल से चलती है ना गवर्नमेंट। तो अब हम मान लीजिए 20-25 बच्चों को हम गाँव में जाके पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी तो कोरोना फैल सकता है। मगर आपके आपके यहाँ कोई बेंच वेंच नहीं है स्कूल? प्राइमरी बेंच नहीं है यहाँ, जो चटाइयाँ होती हैं प्राइमरी में अभी प्रोवाइड नहीं है सरकार की तरफ से, और जूनियर में जो है बेंच है, जूनियर में है। वेरी बैड, मैं आपको अपना कार्ड देता हूँ, आप मेरे को गूगल में लोकेट कर, ठीक है? अच्छा।